शेट्टी की बेटी यहां क्या करने आ रही है? यार ये बुके लेकर के यहां क्या करने आई? पता नहीं, इसको कोई काम है। यहां क्या काम है? बोल रही थी रजनी से मिलना चाहती है। अब रजनी से क्या काम पड़ गया उसको? अब सच्ची भाई को इसका नाम याद तो है ना? नाम क्या याद दिला रहे? आ रही तो है। अरे आर्या शेट्टी उनके करीब रहना चाहती है। अरे तू इन सब में क्यों कूद रहा है? मैं कहां कूदा? मतलब वो तो आर्या शेट्टी। अरे मेरे साथ नहीं, सच्ची भाई के साथ। हेलो हेलो, आओ, ये आर्या शेट्टी है, सच्ची भाई की फ्रेंड है। हेलो आर्या शेट्टी, सच्ची भाई की फ्रेंड है आर्या शेट्टी। वो आर्या शेट्टी रजनी से एक बार मिलना चाहती है। हाँ जाओ मिल लो। आओ आर्या शेट्टी। आ रहा हूँ ना। हेलो, हाय, मैं आर्या शेट्टी हूँ। डैडी की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने आई है या तू, या तेरे बाप ने ये देखने के लिए भेजा है कि हम लोग जिंदा है या मर गए? मेरे इस भाई की वजह से तू जिंदा खड़ी है, वरना यही इसके बगल में तू पड़ी होती। तेरे बाप के कहने पर उन गुंडों ने हम दोनों की यह हालत कर दी है, तेरी भी यही हालत होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तेरी आने की? रो, जितना रोना है रो। ये जो तेरे आंसू है ना, ये तेरे बाप के बुरे कर्मों की सजा है। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों मरोगे। इनफ, ये एक हॉस्पिटल है, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी। मेरे मोबाइल से वेदांता को फोन लगाओ। इसका तो फोन स्विच ऑफ है। हेलो हेलो, आर्या बोल रही हूँ। अब पे हमला हुआ है, किसी ने डैडी को शूट कर दिया है। हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। Please, Sachi, come fast. पहले रोना बंद करो और चुपचाप किसी सेफ जगह पर चली जाओ, और उसके बाद पावर ऑफ कर देना। ओके। परिकर, शेट्टी के घर पे किसी ने हमला कर दिया। मुझे लगता है मनु भी हमला करने वालों के साथ ही है, हमें चल के उसे रोकना होगा। अरे सुनो, जल्दी करो, मनु ने शेट्टी के घर पे जाकर हमला कर दिया। ये शेट्टी अपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ बैठी डैडी। डैडी, you
सच्ची। लाइट जला दो। इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओके ओके। पुलिस के आने के पहले तू आ गया। सबूत मिटा के हीरो बनने का बहुत फितूर चढ़ा है तुझे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यू शराब इडियट, मैं तो कान के नीचे दूंगा। किस लिए कान के नीचे दोगे? पुलिस का काम होता है हमारी सेफ्टी का, पर पुलिस ने तो फोन ही नहीं उठाया। डैडी ने बोला उनके मोबाइल में वेदांता का नंबर है, उसे फोन लगाओ। आपका फोन स्विच्ड ऑफ था। सॉरी आर्या, आज मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी। ओके अच्छा सुनिए आप लोग, स्टेशन में जितने लोग भी ड्यूटी पर हैं, कल सभी लोगों को बोलो कि मुझसे आकर मिले। दैट्स माय ऑर्डर, गॉट इट सर? सच्ची थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम लोगों के साथ कौन कौन आया था? हम अकेले थे सर, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। जितने लोगों को बुलाया गया सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं। झूठ मत बोल। परिकर छोड़ दो उसे, इसे कुछ मत करना। तो इसे पुलिस को दे देते? नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। पुलिस वाले तंग करेंगे। वो मनु के ऊपर शक कर रहा था। रात को ही यहाँ आ धमका मनु को देखने के लिए। देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था। उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन देख के चला गया। हेलो। हेलो सची, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हॉस्पिटल में आ सकते हो क्या अभी? मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूंगी। हॉस्पिटल किस लिए आना है? फोन पर बता दो। मैं फोन पे नहीं बताऊंगी, सामने ही बताऊंगी। 4 o'clock हॉस्पिटल के कैंटीन में मिलते हैं। ओके, शार्प 4 o'clock आना। बाय। एक आर्या शेट्टी सच्ची भाई के साथ जो रिश्ता निभा रही है उसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। हाँ? प्यार की बीमारी? अपन को पता क्यों नहीं चला? क्या मतलब? यही प्यार। ये स्टॉक ऑफ सिंड्रोम तब होता है जब हॉस्टेज को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। मुझे तो लगता है वो बदल चुकी है। बदल चुकी है ना? ओके बस कर यार। सचिव भाई इसे काटना होगा। मतलब? ग्रुप से काटना होगा। अरे काटना है या जोड़ना है ये सचिव भाई फैसला करेंगे। सचिव भाई जानते हैं एक लड़की का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। तू इनकी जिंदगी क्यों उजाड़ना चाहता है? अरे उजाड़ तो तू रहा है, सही उम्र में लड़की नहीं मिली इसका मतलब समझता है? सचिव भाई आज जो आर्या शेट्टी आ रही है ना प्यार की बात करने के लिए, इस कुर्सी पे बैठेगी और आंखों में देखते हुए अपने दिल की बात आपको बताएगी। तब आपको भी उसकी आंखों में देख के बोलना है आई लव यू। मुझसे सब नहीं होने वाला।